आज हम बनाएंगे मसूर की दाल की स्वादिष्ट सब्जी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर दाल खा के बोर हो रखी हो तो आज ये रेसिपी जरूर देखना। दाल की स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 1 कप दाल लिया है, मसूर के दाल। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखी थी। दाल को मैं मिक्सर जार में डाल लूँगी। अब इसी के साथ मैं डालूँगी 2-3 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। इसमें डालूँगी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक, और उसको पीस लूँगी। दाल हमारी पीस गई है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक भी नहीं करी। मैंने पैन गरम कर ली, इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो गई है, इसमें डालूंगी पिसा हुआ दाल को। दाल को मैं अच्छे से मिला दूंगी चारों तरफ बराबर करके। मीडियम गैस में मैं अच्छे से इसको पका लूंगी, ढक्कन ला दूंगी। तब तक मैं मसाला की तैयारी कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च ले लिया, थोड़ा लहसुन और अदरक, इसको मैं सिलबट्टे में पीस लूंगी। जीरा को मैंने पीस लिया। अब एक कढ़ाई गरम कर ली, इसमें डालूंगी 1 बड़ी चम्मच सरसों की तेल। इधर मैंने 2 आलू काट ली। अब सबसे पहले मैं तेल में इसको फ्राई कर लूंगी। आलू हमारी फ्राई हो गई है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब इधर हमारी दाल पक गई है, पिसा हुआ दाल, अब इसको पका दूंगी। इसको पका दिया, अब इस साइड से भी अच्छे से पका लूँगी। अब उसी तेल में सबसे पहले मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ता, इसमें डालूँगी 2 कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया। अब इसमें डालूँगी पिसा हुआ जीरा और लहसुन को, इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब इसमें डालूँगी 2 कटी हुई टमाटर, टमाटर को भी मसाले के साथ अच्छे से पका लूँगी। इधर हमारी दाल की बड़ा पक गई है, अब इसको मैं थाली में निकालूँगी और ठंडा करके पीस पीस करके काट लूँगी। मसाला हमारी अच्छे से पक गई है, अब इसमें डालूँगी फ्राई किया हुआ आलू, आलू को भी मिला लूँगी अच्छे से। अब इसमें डालूँगी 1 गिलास गुनगुना पानी और उसको एक उबाल आने दूँगी। जी मैं हमारी अच्छे से उबाल आ गई है, इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिला दूँगी। जब मैंने दाल की रोटी को अच्छे से काट लिया पीस पीस करके, अब उसको 1-1 पीस करके सरी में डाल दूँगी और अच्छे से मिला के इसको 5 मिनट तक पका लूँगी। 5 मिनट हो गई है, गैस को बंद कर देंगे। हमारी मसूर दाल की सब्जी बन के रेडी है। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरा धनिया। देखो 1 कप मसूर की दाल से हमारी इतने सारे सब्जी बन के रेडी हो गई, खाने में बड़ी टेस्टी होते हैं। हमारी मसूर दाल की स्वादिष्ट सब्जी बन के रेडी है।